परैया प्रखंड के मंझियावा पंचायत वार्ड नंबर 5 सर्वोदय नगर में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने लगभग 100 से अधिक फलदार आम के वृक्षों को काटकर पर्यावरण के साथ गरीब परिवार की रोटी छीन ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते कुछ माह पहले इस बगीचे का देखभाल करने वाली महिलाओं ने जीविका के माध्यम से नीतीश कुमार की शराबबंदी का आह्वान पर कुछ लोगों का शिकायत परैया थाना में किया। उसके बाद थाना ने कार्रवाई करते हुए 4 दोषियों को गिरफ्तार किया था। उसी का बदला इन फलदार वृक्षों को काट कर लिया गया। शराब की बिक्री में शामिल लोगों ने धमकी दिया था कि तुम हमारे पेट पे लात मारी हो, हम तुम्हारे रोजी रोटी छीन लेंगे। अरे हमको साथ ना, हम बागले में हुआ ना, ये 15 पेड़ अभी कट गया। अच्छा, ये तत्काल में कट गया? अभी हम रात ही ने कटा। हाँ, रात में कट गया। हाँ, 15 पेड़ कट गया। काची के पेड़ था, आम के, आम का पेड़ था, मालदा है, मालदा आम दशहरी था। अच्छा, वह अलावा एक महीना पहले भी कटा है पेड़। तो क्या चाह रहे हैं आप, इसका उचित निर्णय चाहते हैं होगा, मैंने कार्रवाई हो। हाँ, क्या नाम है आपका? हमको सुरेश। कहाँ रहते हैं? सर्वोदय नगर। दारू बंद हो रहा था तो सब कोई, मतलब गांव लोग सब मिल के बंद करवाए, तो वही चलते सब सोचे उन लोग कि दारू हम लोग के बंद करवा रहे, तो उन लोग के भी हम मीठी मतलब रोजी उजी सब मतलब खत्म कर दें। अच्छा, तो कोई ऐसा मतलब जैसे दारू बंद कराने में आपकी क्या भूमिका थी? आजकल मतलब काल परसों रोज के सुने हैं कि मतलब धमकी दिए थे, तो धमकी दिए तो वही कर दिया, तो काट दिए। उसमें क्या भूमिका निभाए थे? दारू बंद कर, शराब बंद में आप क्या भूमिका निभाए थे? आप लोग जीविका से जुड़े हुए हैं? जीविका से जुड़े हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। तो उसके बाद जब आप दारू यहाँ बंद हो गया, आप नहीं बिक रहा है? नहीं। उसके बाद से ये फिर आप लोग का जो है पेड़ काट दिए? हाँ। अच्छा अच्छा, तो थाना में सूचना दिए हैं? थाना में सूचना दिए हैं, गए हैं देने। कब दिए हैं? आज ही गए हैं। कितना मतलब टोटल पेड़ कटा आपका? पेड़ कट गया है, तब 7-7 पेड़ कट गया है। थाना वाला क्या बोला? आज मतलब 15 को कटल है, अब मतलब एक महीना हो गया, 40 को ने कटल था। थाना वाला बोला कि आप लोगों को आज अभी गायबे किए हैं। अच्छा, कौन सा फल का पेड़ है? आम के है। आम के है बेटा, आज मतलब आम के है। क्या नाम आपका? उमा देवी। कहाँ रहते हैं? सर्वोदय नगर। 15 को कट गए है, दारू बंद होला है, तो हमारे पेड़ कट गए है, सब 5-5 बरस के है, सब फूलाल अथी मंजर ले ले। दारू तो पहले बंद हुआ था? हाँ, एक महीना। एक महीने पहले? हाँ, हाँ। कौन बंद करा था? सब पूरा अथी जीविका वाली पूरा मन में हारू गाँव के, गाँव के। हाँ। अच्छा, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ, यही तो देखी था कि धमकीम के भी दिया था। हाँ हाँ, हाल ही आज 2-4 रोज हुआ, एगो कह के गेले कि हमने के दारू ए रोजी रोटी हाल तुमने बंद करे ले, तो तुमने के जेठ बैसाख में तुमने के रोजी रोटी बंद करवाओ, तो एगो के 4 पेड़ आओ कट गए कल सांझ है, अब हमारे आज हान हारे ही हो। आप किसान है? हाँ, किसान ही बेटा। मैंने क्या लगाते हैं बगीचे में? सब बगीचे, सब बगीचे, बायर है, अमरूद है, मैंने फल का, टमाटर सब चीज है, फल उपजाते हैं ना। हाँ हाँ, तो कब से आपके साथ ये ऐसा घटना हो रहा है? एक तुरी आ होले है, लाओ आज होले। फिर इसका थाना में सूचना दी है? हाँ, दिली है। तो क्या हुआ उसे? नाम धरे ले कही थल थे। अच्छा, तो नाम ना धरल गए कि अब ये भोरे में का या काट गई है। अच्छा, तो केकर देखे बेटा पेड़ तो कोई बैठा रहा है बाबू, सच्चाई आदमी, सच्चाई आदमी ही बाबू, कि केकर फिर बेटा गेले थाना में, थाना में गेल है। नाम बताइए। अच्छा, आप मतलब क्या हुआ था, मतलब पहले वो जो धमकी देने वाला आदमी था, उसको आप लोग मतलब दारू बंद करवा दी, तो इसके चलते ये हुआ? ये हुआ। हाँ, आप केकर का ही हम था। कितना पेड़ आपका कटा है? 40 को एक तुरी कट ले, आज 15-16 को आज है। किस चीज का पेड़ है? किसका पेड़? आम अमरूद के, खाली आम के। लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग कितना नुकसान हुआ है इसको कटने से? 60-70 को, 60-70 पेड़ आपका काट दिया, फलदार पेड़। अगर ये फल पेड़ से अगर होता तो कितना का मतलब कितना प्रॉफिट होता आपको? चलिए, क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कहाँ रहते हैं? सर्वोदय नगर। हमारे ससुर पहले यही बासाल हाल से ही सब बात करिएगा, आप ना बताइएगा।